भले ही यार शिवांगी जोशी और मोहसिन खान यानी कि नायरा और कार्तिक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का चेहरा है, लेकिन इस शो की असली जान अक्षरा यानी कि हीना खान और नैतिक यानी कि करण मेहरा ही है। सीरियल के फैंस आज भी इस जोड़ी को काफी ज्यादा मिस करते हैं, और तो और ये फैंस के प्यार का ही तो नतीजा है जो कि अब हीना फिल्मों की तरफ रुक कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ करण मेहरा अब भी एक बड़े सीरियल की तलाश कर रहे हैं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब खबरें आई थी कि करण दोबारा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एंट्री कर सकते हैं। इस खबर के आने के बाद से ही उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दरअसल उस टाइम पहले ही एक इवेंट में करण मेहरा और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के डायरेक्टर राजन शाही को बड़े ही जोश के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया था। इसके बाद से ही इस तरह की अटकलें तेज हो गई थी कि शायद करण दोबारा शो में आने का मन बना चुके हैं। यहाँ पर ऐसा भी सवाल उठ रहा था कि क्या करण मेहरा वापस से नैतिक के रोल में दिखने वाले हैं या फिर कोई दूसरा किरदार करण का इंतजार कर रहा है। करे सवाल का जवाब तो खुद करण मेहरा ने ही दे दिया। दरअसल हाल ही में करण ने इस बात का खुलासा किया है कि वो इस शो में वापसी कर भी रहे हैं या फिर नहीं। बता दें आप सभी को कि करण मेहरा ने बता दिया है कि वो फिलहाल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वापसी करने के बिल्कुल मूड में नहीं है और ना ही उनको बुलाया जा रहा है। वैसे हाल ही में करण स्टार प्लस के शो एक भ्रम सर्वगुण संपन्न में देखा गया था, और तो और इस शो में करण के रोल को काफी पसंद भी किया गया। खैर आप करण मेहरा को दोबारा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखना चाहते हैं या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।